मैंने 10 से 15 मिनट तक इसे दम पे रखा और मैंने पहले ही गार्निशिंग कर दिया वो जो मैंने प्याज फ्राई किया था हरे धनिया से, सॉरी। और ये हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो आज मैंने देगी स्टाइल में मटन पुलाव बनाया है जो कि खुशबूदार और जायकेदार बनता है। तो आप देख सकते हो। तो चलिए सब करते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आप इस रेसिपी को ईद में ज़रूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ही लजीज होती है, खाने वाले का पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। आप देख सकते हो गर्म है, खिले खिले से भी चावल हैं और खुशबू इतनी आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टाइल मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मटन लिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसे हम मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे फ्रेश लिया है, फ्रेश लेंगे तो टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे आधा लेमन जूस लेंगे, इसका बीज नहीं जाना चाहिए, बीज जाएगा तो पुलाव कड़वा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऐसे निचोड़ के आधा ही लिया है जूस। तो आप देख सकते हो मैंने डाला इधर 2 चम्मच दही डालूंगी मैं, टेबल स्पून से लिया है। और 1 चम्मच में हरी मिर्ची को मैंने क्रश करके डाला है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं देख सकते हो आप 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच ये छोटे वाले चम्मच से धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच के बराबर जीरा पाउडर, आप देख सकते हो। और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर ऐड कर रही है। ये हम पोटली बना के बनाते हैं लेकिन हम इसमें साथ में ही मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, देख सकते हो। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मैरिनेशन करके 1/2 घंटे के लिए रख देते हैं। देख सकते हो मैंने मैरिनेशन कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, रख देते हैं। ये बहुत ही इजी और टेस्टी बनता है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, 2 चम्मच ऑयल डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे कुकर यूज़ कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया मैं कुकर यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं। तो यहाँ पे 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 टुकड़ा जावित्री का। थोड़ा सा इसे हम क्रैकल कर लेते फ्लेवर आने तक ऑयल में। तो यहाँ पे फ्लेवर आ चुका है, तो जो मैंने मैरिनेशन करके मटन रखा था वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो मिक्स कर लेते अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैंने जिसमें मैरिनेशन किया था उसी में पानी 1 गिलास मैंने ऐड किया मटन गलाने के लिए। और मटन के ऊपर डिपेंड करता है कितना ये सॉफ्ट है, ये जल्दी गल जाएगा। तो हम इसे ढक के लो टू मीडियम पे रख देते हैं पकने के लिए। तो अच्छे से हमारा मटन टेंडर हो चुका है और पानी भी सूख गया है। तो हम इसे गैस बंद करते हैं और इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, 2 बड़े साइज के प्याज को मैंने स्लाइस किया हो बारीक बारीक, ऐसे मसल के मैं ऑयल में डाल रही हूँ। इसे हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकालूंगी गार्निशिंग के लिए पुलाव में, तो इसे हम रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैंने लो मीडियम रखा है, नहीं तो जल जाएगा। तो यहाँ पे 2 तेज़पत्ता, 8 से 10 काली मिर्च, 2 टुकड़ा दालचीनी, बादियान फूल, 1 बड़ी इलायची, जायफल जावित्री और 8 से 10 हरी इलायची,
और 4 लौंग और मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आधा चम्मच शाही जीरा ऐड करूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर से डालें इसमें। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। मटन में भी डाला है मैंने, तो पुलाव के हिसाब से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो जो हमने मटन को बॉईल करके रखा था वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी बचा है, अगर आपके पास यखनी ज़्यादा बच जाए तो आप इसे साइड में रख लीजिएगा, तो चावल के लिए पानी ऐड करेंगे ना तभी डाल लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा बचा है तो इसे हम मिक्स कर लेते और फ्लेम को हाई कर देती हूँ। इस स्टेज पे ये भुन गया है तो मैं यहाँ पे हरी मिर्ची 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने क्रश करके रखा था, जितना आपको तीखा चाहिए उतना आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं वापस से 2 चम्मच दही डालूंगी, चावल के हिसाब से डाल रही मैं, और आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो दही हमारा भून चुका है, तो मैंने 1 टमाटर लिया है जो गोल गोल मैंने ऐसे काट लिया, बड़े साइज का टमाटर लिया था, वो ऐड कर दूंगी। और हरा धनिया मैं यहाँ पे 1 मुट्ठी भर के डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पुलाव में। जो देवी स्टाइल पुलाव बना रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम इसे मिक्स कर, तो ये देख सकते हो आप अच्छे से सब भून चुका है। तो मैंने जिससे मटन को गलाया था ना उसी में मैंने पानी गरम कर लिया है, गरम पानी ही डालिएगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 किलो चावल ले रही हूँ, तो 2 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। अब इसमें मैं चावल के हिसाब से नमक डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मटन में नमक है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब देख सकते हो बॉयल आ गया है, मैंने बासमती राइस 1/2 किलो लिया है, देख सकते हो 1 घंटे पहले मैंने धो के इसे रखा है कि इससे खिले खिले राइस बनते, सॉफ्ट भी बनता है। अगर आप कुकर में बना रहे तो इससे भी कम पानी आप डालिएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वाह क्या लुक दिख रहा है। अब इसे हम ढक के लो टू मीडियम पे इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं इतना पक चुका है, थोड़ा पानी रह गया, तो हम इसे मिला लेते हैं अच्छे से और इसे हम दम पे रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। दम पे रख देते हैं, एकदम मीडियम, एकदम लो मीडियम रखिएगा, एकदम लो। मैंने 10 से 15 मिनट तक इसे दम पे रखा है और मैंने पहले ही गार्निशिंग कर दिया, वो जो मैंने प्याज फ्राई किया था हरे धनिया से, सॉरी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।